चलो तो आज जो है वो हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स के एक मुद्दे के ऊपर जो कि काफी फेमस रहा पिछले कुछ समय के अंदर। सबसे ज्यादा इंटरनेशनली जो सबसे ज्यादा न्यूज जो है वो रही इसराइल और फिलिस्तीन की। तो आज अपना जो टॉपिक है वो इसराइल और फिलिस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसी को लेकर जो है वो हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से अभी वर्तमान में ये क्या है, क्यों कॉन्फ्लिक्ट हुआ और इसका क्या इतिहास जो है वो रहा है। कॉम्प्रिहेंसिवली इसको समझने की कोशिश जो है वो करेंगे, ठीक है। तो देखो, इसराइल और फिलिस्तीन, ये एक तरफ इसराइल का फ्लैग है और ये जो है वो पैलेस्टाइन का फ्लैग है। अगर हम देखें तो ये उसका मैप है इसराइल और फिलिस्तीन का। इस तरफ अगर इसको सबसे पहले तो उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है वो हमें पता होना चाहिए। तो ये है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर इस तरफ इजिप्ट और इजिप्ट का एक जगह है जिसका नाम है सिनाई पेनिनसुला, सिनाई प्रायद्वीप। इधर जॉर्डन नाम का देश है, इसके ऊपर ये सीरिया है और यहाँ लेबनान है। सीरिया और इनके बीच में गोलन पहाड़ियां हैं जो भी इसराइल ऑक्यूपाइड है। फिर यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है जॉर्डन नदी, और जॉर्डन नदी के इस तरफ एक इलाका है जिसको कहते हैं अपन वेस्ट बैंक, और ये यहाँ पर है गाजा पट्टी, ठीक है। तो वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, इन दोनों को मिलाकर जो है वो कहा जाता है फिलिस्तीन, और बाकी शेष जो इलाका है उसको हम कहते हैं इसराइल, ठीक है। तो ये तो इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन वगैरह जो है वो हुआ। अब एग्जैक्ट जो डिस्प्यूट है वो इनके अंदर है किस बात का। एग्जैक्ट डिस्प्यूट जो है वो इस बात से शुरू होता है कि यहाँ पर एक सिटी है जिसका नाम है जेरूशलम, और जेरूशलम जो है उसके आसपास में बसना है, उस सिटी की जो धार्मिक महत्ता है वो बहुत ज्यादा है, और इसी वजह से इस क्षेत्र के ऊपर अधिकार को लेकर विवाद जो है वो बना हुआ है कि ये जो क्षेत्र है वो किसका होना चाहिए, ये फिलिस्तीनियों के पास में होना चाहिए या ये यहूदियों के पास होना चाहिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो बात है वो इसके अंदर कौन है, जेरूशलम जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो अब जेरूशलम को अगर हम देखेंगे ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो देखो जेरूशलम जो है उसकी धार्मिक महत्ता ये है, उसकी रिलीजियस जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि तीन धर्मों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है जेरूशलम। यहां पर जेरूशलम का ये ओल्ड सिटी का मैप है, ओल्ड सिटी के अंदर तीन धर्म है यहां पर। वैसे ये जो एरिया है ये चार भागों में बटा हुआ है। ये जो इलाका है इसको अपन कहते हैं क्रिश्चियन क्वार्टर, ये जो है वो ईसाइयों का भाग है। ये जो है वो आर्मेनियन क्वार्टर है, आर्मेनिया जो ईसाई है उनका ये भाग है। फिर ये जो इलाका है वो इलाका जो है वो यहूदियों का है, और ये जो बाकी बचा हुआ इलाका है ये मुसलमानों के पास में, ये मुस्लिम्स के अंडर में जो है वो आता है। ये जेरूशलम की ओल्ड सिटी का मैप है, और यहां पर ये जो अब ये हालांकि ये आर्मेनियाई और क्रिश्चियन क्वार्टर हैं तो अलग अलग, परंतु ये दोनों ही जो है वैसे है ईसाई ही है, ठीक है। तो इसलिए अपन इस दोनों को मान सकते हैं कि ये ईसाइयों के पास में है, ये वाला भाग जो है यहूदियों के पास में, और ये वाला भाग जो है वो मुसलमानों के पास में, और इन तीनों के लिए ही ये जो क्षेत्र है वो धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या महत्ता है धार्मिक रूप से यहां पर इन तीन धर्मों की, तो देखो सबसे पहले इस्लाम की अगर बात की जाए, मुस्लिम धर्म की अगर बात की जाए इसमें, तो इस्लाम के अंदर थर्ड होलीएस्ट मॉस्क है जिसका नाम है अल अक्सा। अल अक्सा मस्जिद जो है वो यहां पर स्थित है, ये है अल अक्सा मस्जिद, और इसके सामने यहां पर ये स्थित है, इसको कहते हैं डोम ऑफ रॉक। डोम ऑफ रॉक मतलब यहां पर एक चट्टान थी और उसके ऊपर बाद में गुंबद जो है वो बना दिया गया, और बाद में जो टर्की का सुल्तान था उसने उसके ऊपर ये गोल्ड वगैरह जो है वो भी इसके ऊपर लगा दिया, ठीक है। ये डोम ऑफ रॉक जो है ऐसा माना जाता है इस्लाम के अंदर कि मोहम्मद साहब जो पैगंबर थे उन्होंने यहां से जन्नत की यात्रा जो है वो की थी, और इस वजह से ये जो इलाका है वो इस्लाम के अंदर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसी के सामने ये जो इलाका है, ये जो मॉस्क है, ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद को कहते हैं अल अक्सा मस्जिद, और ये इस्लाम के अंदर तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद है। मक्का और मदीना के बाद में अगर थर्ड होलीएस्ट साइट अगर कौन सी है तो वो है ये अल अक्सा मस्जिद की। तो इस वजह से तो ये जो है वो इस्लाम के अंदर ये जो क्षेत्र है काफी महत्वपूर्ण होता है, इस्लाम के अंदर जो है वो इसकी धार्मिक महत्ता बनी हुई है। तो हमने ये देख लिया कि इस्लाम के अंदर धार्मिक महत्ता क्यों है। दूसरा यहां पर बड़ा जो महत्ता है वो है आपके यहूदियों के लिए, ये जो इंपॉर्टेंट प्लेस है वो यहूदियों के लिए। देखो विश्व के अंदर जो सबसे पुराने धर्म है उनमें से एक है यहूदी धर्म,
और शुरुआत के अंदर ये जो इलाका था उस इलाके के ऊपर यहूदी ही रहा करते थे इस इलाके पर, ठीक है। फिर यहूदियों के ऊपर पर समय समय के ऊपर बहुत सारे जो अटैक्स हैं वो होते गए, कभी बेबीलोनियंस ने अटैक किया, कभी वहां पर रोमन एम्पायर ने अटैक किया, उसके बाद में उनके ऊपर जो है वो मुस्लिम आक्रमण जो है वो भी हुए। तो इस तरीके से जो यहूदी थे वो यहूदियों के ऊपर कई समय से यहाँ पर आक्रमण होते रहे, और ये जो इलाका है वो यहूदियों का भी सबसे पवित्र स्थान जो है वो यहीं पर है। वैसे यहूदी धर्म के अंदर जो सबसे पवित्र स्थान है उसको कहा जाता है हॉली ऑफ हॉलीज, सबसे जो पवित्र है। हॉली ऑफ हॉलीज मतलब ये इनका एक बताने का तरीका होता है कि जितनी पवित्र है उनमें से भी सबसे पवित्र अगर कोई जगह है तो वो यहां पर है। यहूदियों के जो सबसे पहले पैगंबर हुए, अब देखो यहूदी ईसाई और मुसलमान ये तीनों जो धर्म है, ये तीनों धर्म जो है वो पैगंबर के अंदर विश्वास करते हैं। तीनों धर्मों की वैसे मान्यता जो है वो एक जैसी है, तीनों ये मानते हैं कि ईश्वर एक है और निराकार रूप में है और वो कहीं दूसरी जगह जो है वो रहता है, और जब इस धरती पर रहने वाले लोगों से बातचीत करता है तो अपने संदेश को भेजने के लिए मैसेंजर जो है वो भेजता रहता है, संदेशवाहक भेजता रहता है, और उनको पैगंबर कहा करते हैं। और सबसे पहले पैगंबर जो थे वो थे इब्राहिम। और यहाँ पर ये माना जाता है कि ये जो इलाका है जो वहाँ पर इब्राहिम ने अपने पुत्र जो आइजैक उनके पुत्र थे उन आइजैक की बलि दी, और ये दिखाने के लिए कि मैं जो है वो ईश्वर से कितना प्रेम करता हूँ। तो जो बलि देने वाला जो स्थान है वो यहाँ हॉली ऑफ हॉलीज में है, ठीक है। और इसीलिए ईसाइयों इसका यहूदियों का ये मानना है कि यहाँ पर ईश्वर का स्वयं का निवास जो है वो है। हॉली ऑफ हॉलीज का जो इलाका है वो इस ये जो टेम्पल है इस टेम्पल का सबसे अंदर का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं हॉली ऑफ हॉलीज, और वहां पर ऐसा माना जाता है कि भाई ईश्वर का निवास जो है वो है। जैसे अपने सामान्यतया मंदिर होते हैं तो मंदिर के अंदर जो मूर्ति जहां पर स्थापित होती है फाइनल, तो ऐसा माना जाता है कि भाई वहीं पर ईश्वर जो है वो उस ईश्वर का निवास है। जैसे कहीं ज्योतिर्लिंग वगैरह है तो वहां पर जहां शिवलिंग होगा ये माना जाएगा कि भाई वहां पर ईश्वर का निवास है। तो वैसे ही इनके यहाँ उसको मानते हैं हॉली ऑफ हॉलीज उसको कहा करते हैं। और ये हॉली ऑफ हॉलीज कहाँ है तो ये इनके मंदिर पर है। और ये मंदिर कहाँ है तो ये मंदिर ये जो अपन ने स्थान देखा जिसपे अभी ये डोम ऑफ रॉक और ये बना हुआ है इसी जगह पर कहीं पर जो है वो है, और उसको यहूदी जो है वो टेंपल माउंट कहते हैं। यहूदियों के लिए इस स्थान को कहा जाता है टेंपल माउंट, क्योंकि भाई इब्राहिम ने अपने पुत्र की यहां पर बलि दी और ईश्वर के प्रति अपने प्रेम वगैरह को दिखाया। उसके बाद में यहां पर जो है वो इनके एक किंग हुए किंग सोलोमन, और सोलोमन ने यहां पर अपना एक मंदिर जो है वो बनवाया। सोलोमन ने मंदिर बनवाया और छठी शताब्दी के अंदर बीसी 586 बीसी के अंदर जो बेबीलोनियन एम्पायर था उन बेबीलोनियन एम्पायर ने उसके ऊपर अटैक किया और अटैक करके उस मंदिर को जो है ध्वस्त कर दिया। हालांकि कुछ समय बाद वापस यहूदियों ने यहां पर स्थान कब्जा कर लिया, जब बेबीलोनियन एम्पायर कमजोर हुआ तो वापस ये यहूदियों के अंडर में आ गया, और यहूदियों के वापस जब अंडर में आया तो उन्होंने एक नया मंदिर जो है वो बनाया, सेकंड यहां पर टेंपल बनाया गया जिसको टेंपल डेविड का टेंपल जो है वो कहा जाता है। तो और फिर उसके बाद में ये जो डेविड का टेंपल था उसके ऊपर भी वापस अटैक हुआ रोमन एम्पायर के द्वारा 70 AD के अंदर रोमन एम्पायर ने इसको अटैक किया और वो जो डेविड का जो टेंपल था उसको भी खत्म कर दिया। वर्तमान के अंदर वो जो डेविड का टेंपल है वो खत्म हो गया, परंतु उसकी एक दीवार जो है वो बची हुई है। वैसे तो ये पूरी दीवार है पर दिखने वाली दीवार जो है वो सिर्फ इतनी है, बाकी ये जो नीचे है ये सब टनल है, ये अंदर जो है एक सुरंग जाती है उस सुरंग को भी ये मानते हैं कि वो दीवार का ही पार्ट है। बाकी अगर कोई दीवार बची हुई है तो सिर्फ ये दीवार बची हो, बाकी पूरा टेंपल जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। और बाद में जब इस्लाम का उदय हुआ तो इस क्षेत्र पर इस्लामिक अधिकार हो गया, और जब इस्लामिक अधिकार हो गया तो यहाँ पर फिर अलग सा मॉस्क और ये जो आपका डोम ऑफ रॉक वगैरह जो है ये सब चीजें बना ली गई, ठीक है। यानी एक ही क्षेत्र है और उसी क्षेत्र पर दो धर्मों का दावा हो गया कि यहाँ पर जो है इस्लाम का कहना है कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और दूसरी तरफ यहूदियों का कहना है कि हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टेंपल है वो यहीं पर है। पर वर्तमान के अंदर इस क्षेत्र के ऊपर अधिकार किसका है तो वर्तमान में ये जो इलाका है मेन उस टेम्पल माउंट का, उस पर जो है वो इस्लामिक वक्फ यहाँ पर एक है उसका अधिकार है, और यहूदियों के पास में अभी वर्तमान में सबसे पवित्र जगह उनकी है
तो वो है ये वेस्टर्न वॉल। इस वेस्टर्न वॉल को वेलिंग वॉल जो है वो भी कहा जाता है, क्योंकि उनका टेम्पल डिस्ट्रॉय हो गया था, सिर्फ एक ही दीवार जो है वहां पर बची हुई है। तो इस कारण से ये जो क्षेत्र है वो यहूदियों के लिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दो धर्मों के लिए जो है वो महत्वपूर्ण हो गया, सबसे पहला तो इस्लाम और दूसरा यहूदी। यहूदियों के लिए क्यों? तो हॉली ऑफ हॉलीज है। अब देखो ये जो हॉली ऑफ हॉलीज, वो टेम्पल तो डिस्ट्रॉय हो गया, और टेम्पल जब डिस्ट्रॉय हो गया तो उसका जो आंतरिक जो क्षेत्र था वो कहां है वर्तमान में, ये अभी वैसे इनको किसी को पता नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर और दूसरे स्ट्रक्चर जो है वो बन चुके हैं कि भाई उसमें डोम ऑफ रॉक बन चुका है, तो डोम ऑफ रॉक में एग्जैक्टली वो कहां पर है या फिर वो अलक्सा मस्जिद के नीचे है, तो ये वर्तमान में कोई जानता नहीं। पर ये जानते हैं कि भाई यहां ये पूरा वो जो कॉम्प्लेक्स है उसमें कहीं ना कहीं पर ये हॉली ऑफ हॉलीज है। ठीक है, ये है वेस्टर्न वॉल, जिस वेस्टर्न वॉल पर यहूदी जो है वो अपनी प्रार्थना वगैरह करते हैं। अब ये दोनों क्षेत्र जो है वो लगभग आसपास में ही है, इधर ये डोम ऑफ रॉक है और इस तरफ ये जो है वो वेस्टर्न वॉल है, और यहां से एक ये लकड़ी का इन्होंने जो है वो इधर एक पैसेज बनाया हुआ पुल, उसके माध्यम से इस तरफ जाते हैं, और यहां से जाओगे तो ये तो अलग-सा मस्जिद आ जाएगी, और बाकी इस तरफ जाओगे तो ये डोम ऑफ रॉक पूरा कंपाउंड जो है वो आ जाता है। तो ये अब क्षेत्र जो है इतने आसपास हो गए, इस वजह से किसी भी दो धर्म, जिन दोनों धर्मों में आपस में एनिमोसिटी भी रही हुई है और दोनों धर्मों के क्लेम भी है, और दोनों धर्मों के जो रिलीजियस साइट्स है वो अगर इतनी आसपास हो जाएगी तो उनके अंदर जो विवाद है वो विवाद समय समय के ऊपर जो है वो होते रहेंगे, और वैसे ही विवाद जो है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण जो धर्म है वो है ईसाई। यहाँ पर ईसाई धर्म जो है वो उसके लिए भी एक क्षेत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ईसाइयों के अंदर जो जीसस क्राइस्ट हुए या ईसा मसीह को सूली पे लटकाया गया, वो यहीं यरूशलम के अंदर ही लटकाया गया था। कि भाई ईसा मसीह ने जब ये कहा कि भाई मैं भी पैगंबर हूं, तो यहूदियों ने उस बात को स्वीकार नहीं किया और इनको जो है वो सूली पर लटका दिया गया। सूली पर लटकाने के बाद में उनका कुछ समय बाद में वो वापस पुनर्जीवित हो गए, रिसरेक्शन हुआ उनका, और वो भी इसी क्षेत्र में हुआ। और इसलिए ईसाइयों की भी जो सबसे पवित्र जो चर्च है उसको कहते हैं होली चर्च ऑफ सेपल्कर। वो होली चर्च ऑफ सेपल्कर जो है वो भी यहीं पर, जैसा जो अपने क्रिश्चियन क्वार्टर देखा था, उस क्रिश्चियन क्वार्टर के अंदर ही जो है वो होली चर्च ऑफ सेपल्कर है, और वो ईसाइयों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। यानी ये जो यरूशलम है उसकी धार्मिक महत्ता हमें इस बात से समझ में आ रही है कि वो धर्म तीन धर्मों के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान जो है वो बन जाता है, और तीन धर्मों के लिए महत्वपूर्ण होगा तो फिर वहां पर समय समय पर जो है वो उनके बीच में ये वो होली चर्च है जिसको सेपल्कर कहा जाता है, होली चर्च ऑफ सेपल्कर। तो ये तो है इस क्षेत्र की धार्मिक महत्ता। तो अपन ने देखा तीन धर्म है, सबसे पहले यहाँ पर इस्लाम की धार्मिक महत्ता है, तो वहां पर अलक्सा मस्जिद और डोम ऑफ रॉक, और क्योंकि वो थर्ड होलियस्ट साइट है मक्का और मदीना के बाद में। दूसरा यहूदियों के लिए, तो यहूदियों के लिए इस क्षेत्र को जहां पर अलक्सा मॉस्क और टेंपल जो डोम ऑफ रॉक है उसको वो मानते हैं कि भाई यहाँ पर टेंपल माउंट था, टेंपल माउंट को एक समय खत्म कर दिया गया था, अभी वर्तमान में उस टेंपल माउंट का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, उसको कहा जाता है वेस्टर्न वॉल। और उस टेंपल माउंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह थी वो थी हॉली ऑफ हॉलीज, और वो भी वर्तमान में उसी में कहीं पर है, हालांकि यहूदी एग्जैक्टली जानते नहीं है कि ये कहां पर है। ठीक है, और तो ये दो, और तीसरा जो है वो ईसाई धर्म के लिए, वहां पर ईसाइयों का जीसस क्राइस्ट थे उनका क्रूसिफिकेशन हुआ और रिसरेक्शन हुआ, इसलिए वहां पर एक चर्च है जिसको कहते हैं होली चर्च ऑफ सेपल्कर। तो ये तीन धर्मों के लिए महत्वपूर्ण है, इस वजह से इस क्षेत्र को लेकर लड़ाई जो है वो तीनों धर्मों के बीच में रहती है कि एग्जैक्टली ये किसके पास में हो। अब इसमें ईसाइयों का इतना ज्यादा जो है वो अपन न्यूज में नहीं देखते, वो इसलिए नहीं देखते क्योंकि एक तो जो कॉम्प्लेक्स है उसमें हमने देखा कि यहूदियों का और मुस्लिम्स का कॉम्प्लेक्स जो है बिल्कुल आसपास में ही है, बिल्कुल अटैच्ड ही है, और अटैच्ड है इस वजह से वहां पर समस्याएं जो है वो ज्यादा होती है। और दूसरा फिर कि भाई वहां पर देश बनाने वाली जो बात है उसमें भी ईसाई जो है वो इतने ज्यादा उनका रोल जो है वो प्ले होता नहीं है, इसलिए भी ईसाइयों के बीच में और बाकियों के बीच में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट देखने को बड़े तौर पर नहीं मिलता। बाकी वहां पर उनका खुद का भी एक क्लेम जो है वो बना हुआ है कि वो भी ऐसा नहीं चाहते कि किसी एक के पास में एक क्षेत्र हो जाए। अब ये तो इस क्षेत्र की धार्मिक महत्ता, अब धार्मिक महत्ता है तो हर धर्म के लोग ये चाहेंगे कि इस क्षेत्र के ऊपर हमारा अधिकार जो है वो हो। ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पर भी जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हुए वो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट भी लगभग इसी कारण से है कि इस क्षेत्र में सभी अपनी अपनी पॉपुलेशन जो है उसको बढ़ाना चाहते हैं। पर उसके बाद में जो गाजा पट्टी अपन ने देखा वहां पर एक संगठन है जिसका नाम है हमास,
और हमास ने उसके बाद जो है अंधाधुंध रॉकेट दागने शुरू कर दिए इसराइल के ऊपर, और इसके कारण कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ गया कि उन्होंने रॉकेट दागे और उसके बाद में उन्होंने इसराइल ने भी वापस रिटेलिएट करते हुए उस जो गाजा पट्टी है उस गाजा पट्टी पर अटैक कर दिया। ये तो है वर्तमान की स्थिति। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा और इतिहास के अंदर जो है वो जाना पड़ेगा कि भाई देखो, पहले तो अपन ने कहा कि भाई यहाँ पर यहूदी थे, फिर यहूदियों को बाहर निकाला गया, उनके बीच में अन्य कई अंपायर्स के बीच में लड़ाइयाँ होती गई, फिर धीरे 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 यहूदी जो है वो यहाँ से इस क्षेत्र से निकलकर जो यूरोप वगैरह जो है उसके अन्य कई देशों के अंदर बस गए, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है वर्तमान में जिसको अपन इसराइल और फिलिस्तीन का ये जो क्षेत्र कहते हैं, ये आ गया ऑटोमन साम्राज्य के अधीन, ठीक है। जब ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना हुई उस समय ये जो क्षेत्र है वो ऑटोमन साम्राज्य जो टर्की से चला करता था उसके अधीन जो है वो एक क्षेत्र था, ठीक है। हालांकि यहाँ पर कुछ लोकल यहूदी जो है वो भी थे, ऐसा नहीं कि सारे के सारे यहूदी चले गए थे, कुछ यहूदी जो है वो उस ऑटोमन साम्राज्य के अधीन भी रहा करते थे, परंतु मैक्सिमम लोग जो है वो यूरोप के दूसरे शहरों में जाकर रहने लगे, यूरोप के दूसरे शहरों में रहने लगे, परंतु यहूदियों के बीच में और ईसाइयों के बीच में भी खूब सारी प्रॉब्लम चलती रहती है और इसके कारण इनके बीच में भी कई बार जो है दंगे वगैरह होते रहते हैं और ऐसी समस्या जो है यहूदियों को बार बार झेलनी पड़ी। फिर अगर फास्ट फॉरवर्ड करके आए तो जो 19th सेंचुरी आई यूरोप में, 19वीं शताब्दी के अंदर यूरोप के अंदर एक डिमांड बढ़ी जिसको कहते हैं नेशन स्टेट, डिमांड फॉर नेशन स्टेट। हर जो जो रेस थी या फिर हर जो धर्म के लोग थे या फिर एक प्रकार के संस्कृति के लोग, एक प्रकार की नस्ल के लोग, उन्होंने ये मांग करनी शुरू की कि हमारे लिए एक अलग से देश जो है वो होना चाहिए। जैसे जर्मन्स ने ये मांगा कि हमारे लिए अलग से देश होना चाहिए तो जर्मनी बना। इटालियंस ने मांगा कि इटालियन भाषा बोलने वाले जितने लोग हैं उन्होंने उनको सबको मिलाकर एक अलग से देश बनाओ तो इटली बन गया। इस प्रकार से अलग अलग जो है वो देश बने। और जब ये देश बन रहे थे तब यहूदियों के अंदर भी ये डिमांड बढ़ी। यहूदियों के अंदर भी 1897 में यहूदियों में एक आंदोलन शुरू हुआ जिस आंदोलन को कहा जाता है ज़ायोनिस्ट आंदोलन। इस आंदोलन को कहा गया ज़ायोनिस्ट आंदोलन। क्या है ज़ायोनिस्ट आंदोलन? ज़ायोनिस्ट आंदोलन जो है वो एक प्रकार की डिमांड थी जिसके तहत एक अलग से यहूदी देश जो है उसका निर्माण किया जाए, एक सेपरेट ज्यूइश स्टेट जो है वो बनना चाहिए और उस ज्यूइश स्टेट का नाम क्या होगा? तो उसका नाम जो है इसराइल रखा जाएगा। कहां बनेगा? तो ऑब्वियसली जहां पर इनका पवित्र स्थान है उसके आसपास ही उस क्षेत्र को बनाया जाएगा। तो वो जो क्षेत्र है जो आप ये छोड़कर आए हो, जेरूशलम और उसके आसपास का इलाका है, वहीं पर वापस जाकर आपको जो है इसराइल नाम का देश बनाना है। ऐसी डिमांड जो है वो इन्होंने की 1897 में। धीरे धीरे जब 1897 में ऐसी डिमांड की तब धीरे धीरे यूरोप में जहां जहां अलग अलग देशों के अंदर जो यहूदी रहते थे वो वापस इस क्षेत्र में आने लगे, जेरूशलम के और उसके आसपास के क्षेत्रों में, और वहां पर जो अरब रह रहे थे, ऑटोमन एम्पायर के अधीन जो अरब रह रहे थे, उन अरबों से उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदना शुरू कर दिया। लीगली प्रॉपर्टी खरीदी गई है, ठीक है, पैसे पे किए गए और बाकायदा, और जो प्लॉट वगैरह जो है वो खरीदे गए। अरब उस समय जो है वो बड़े खुश हो रहे थे और उन्होंने खूब जो है वो इनको बेची प्रॉपर्टी, और इन्होंने सिग्निफिकेंट अमाउंट के अंदर प्रॉपर्टी वहां पर जो है वो खरीद ली। हालांकि धीरे धीरे जैसे जैसे संख्या बढ़ने लगी तो उनको लगा कि यार ये तो संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने उसका विरोध भी करना शुरू किया कुछ लोगों ने। इसके बाद में दुनिया के अंदर हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो मित्र देश थे यानी ब्रिटेन, फ्रांस, ये जो देश थे, इसके अंदर ब्रिटेन के एक विदेश मंत्री होते थे जिनका नाम था बेलफोर्ड। उन्होंने 1917 में घोषणा की जिसको बेलफोर्ड डिक्लेरेशन कहा जाता है, और उस घोषणा में उन्होंने कहा कि जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये मित्र देश और उसके सामने लड़ने वाले जो देश थे उसके अंदर टर्की भी था, जर्मनी के साथ में मिलकर लड़ रहा था टर्की, ठीक है, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तब हम इनको हरा देंगे। और यहूदियों को यह कहा गया कि यहूदी जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ब्रिटेन का और फ्रांस का साथ दें, और इसके बदले में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तब यहां पर जाकर ये जो ब्रिटेन है वो वहां पर अधिकार करेगा और फिर वो ज़ायोनिस्ट आंदोलन जो है उसको समर्थन करेगा, यानी इसराइल देश जो है उसकी स्थापना में मदद करेगा। कुल मिला के बात ये हुई, और ये जो घोषणा है ये की गई इन महाशय के द्वारा, इनको, इनका नाम है बेलफोर, ठीक है, और इस ये जो डिक्लेरेशन है इस डिक्लेरेशन को कहा जाता है बेलफोर डिक्लेरेशन, बेलफोर घोषणा पत्र जो है वो कहा जाता है। ये कब हुआ था? 1917, इवन इस पर डेट भी लिखी हुई है, 2 नवंबर 1917।
2 नवंबर 1917 का ये डिक्लेरेशन जो है वो उनका है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद ऑटोमन साम्राज्य हार गया, ऑटोमन साम्राज्य हार गया तो ऑटोमन साम्राज्य का कोड खत्म कर दिया गया, और ऑटोमन साम्राज्य का जो भी साम्राज्य था, जो भी एरिया था, वो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में आपस में बांट लिया गया। यूएन उस समय जो लीग ऑफ नेशंस हुआ करता था उसका एक मैंडेट सिस्टम था, उसके तहत उसको जो है वो आपस में बांट लिया गया, और ये जो क्षेत्र है वो आ गया ब्रिटेन के अधीन। अब ब्रिटेन इसका जो है शासक बन गया है। अब ब्रिटेन अगर शासक बन गया तो उसने बेलफोर घोषणा को लागू करना शुरू कर दिया, यानी उन्होंने यहां पर जो है यहूदियों को आकर लाकर बसाना जो है वो शुरू किया। धीरे धीरे यहूदियों की संख्या जो है यहां पर बढ़ने लगी। और फिर दुनिया में एक और घटना हुई 1939 में। हिटलर जो है जर्मनी के अंदर, हिटलर की जो नाजी दल था, नाजी पार्टी थी, उसके द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कर दी गई। और ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो यहूदियों के लिए बड़ा भीषण हुआ। उसके अंदर यहूदियों जो है इन्होंने, भाई जो नाजीवाद होता है, नाजीवाद जो है रेशियल प्योरिटी के ऊपर आधारित होता है। हिटलर ये चाहता था कि एक अलग से आर्यन रेस जो है उसका निर्माण किया जाए, और प्योर आर्यन रेस होनी चाहिए, और प्योर आर्यन रेस हो तो बाकी सब ये जो कचरा है, बायोलॉजिकल वेस्ट है, उसको खत्म करो। और वो मानते थे कि साहब ये जो यहूदी है ये सबसे बड़े बायोलॉजिकल वेस्ट है, और इस वजह से इनको तो जो है समाप्त किया जाए। और यहूदियों को जो है उसके ऊपर खूब अत्याचार उसके अंदर किए गए, जिसको होलोकास्ट जो है कहा जाता है। इनको अलग कंसंट्रेशन कैंप्स में ले गए, फिर इनको मारा गया, यहूदियों को। और जब इस तरीके से जब उनको मारा गया, इतना अत्याचार जब हुआ, तब उनको लगा कि भाई अब तो हमारे पास खुद का देश होना चाहिए, हम दूसरे देशों के अंदर जो है सुरक्षित नहीं है। यानी जो इसराइल देश की मांग थी वो हमारी एकदम सही थी, और हमारे पास खुद का एक देश जो है रहने के लिए होना चाहिए, वरना हमारे पास खुद का कुछ है ही नहीं। और इसके कारण ये बड़ी संख्या में लोग जो है वापस भाग कर उस जगह पर आने लगे, ठीक है, जहां पर वो फिलिस्तीन उस समय जो हुआ करता था ब्रिटेन के अधीन था। अब बड़ी संख्या में लोग यहां आने लगे, धीरे धीरे जो है संख्या बढ़ने लगी, और जो लोकल अरब थे या फिलिस्तीनी जो थे, उन्होंने ये बाहर से जो इतना इन्फ्लक्स हो रहा है, बाहर से इतने सारे लोग आ रहे हैं, उनका विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध करना शुरू किया तो उनमें आपस में प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब ब्रिटेन को ये दिखा कि यार ये तो अपन ने नई समस्या खड़ी कर दी, जैसे कि वो सभी जगह करते ही हैं। और जब ऐसी समस्या खड़ी की तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गया, और 1945 में विश्व में एक नया संगठन बना जो था संयुक्त राष्ट्र संघ। और देखा संयुक्त राष्ट्र संघ जो है नया नया बनाया और उसके पास में कोई काम धाम है नहीं, तो उसको अपने काम देते हैं, और उसको एक समस्या जो है वो दी गई। और वो समस्या कौन थी कि भाई ये वाली समस्या है, इसका हल करो। संयुक्त राष्ट्र संघ के पास में ये मुद्दा जो है वो पहुंच गया, और 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक सोल्यूशन बताया, और उस सोल्यूशन को कहा जाता है 2-स्टेट सोल्यूशन। बार बार इसका नाम जो है वो आता है, तो 2-स्टेट सोल्यूशन या द्विराज्य समाधान क्या है? तो द्विराज्य समाधान जो है 1947 के अंदर यूएन के जो यूएन का जो रेजोल्यूशन था उस रेजोल्यूशन में दिया गया। और इसमें किया क्या गया, तो ये जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को लगभग 2 बराबर भागों में बांट दिया गया। लगभग 2 बराबर भागों में मतलब ये जो ग्रीन वाला पैच है, ये तो दिया गया किसको, इसराइल को, और ये जो बाकी वाला है ये दिया गया किसको, फिलिस्तीन को, अरब स्टेट के रूप में फिलिस्तीन। यानी इन्होंने कहा 2 स्टेट का मतलब 2 देश होंगे, एक तो इसराइल होगा और एक फिलिस्तीन होगा। इसराइल के पास में कुछ देश क्षेत्र होगा और कुछ क्षेत्र जो है वो होगा फिलिस्तीन के पास, और दोनों लोग जो है वो आपस में रह सकते। तो लोगों ने कहा झगड़ा इस बात का थोड़ी है, रहने के लिए जगह नहीं है, ये बात थोड़ी झगड़े की है। झगड़े की जड़ तो जेरूशलम है, जहां पर हमारे धार्मिक क्षेत्र है। तो इन्होंने कहा चिंता मत करो, ये जो जेरूशलम है इसको हम एक इंटरनेशनल जोन जो है वो बना देंगे, एक अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र बना देंगे, यूएन के तहत जो है उसको रखा जाएगा, यूएन उसको जो है वो सुपरवाइज करेगा, यूएन उसको एडमिनिस्टर करेगा। तो इस तरीके से यूएन ने यह सोल्यूशन जो है प्रपोज किया। अब यूएन ने सोल्यूशन प्रपोज किया तो यहूदियों ने मान लिया इस बात को। यहूदियों ने कहा ठीक है भाई, हमें तो हमारा देश चाहिए था एक अलग से, और हमें हमारा देश जो है वो मिल रहा है, तो हमें तो इस सोल्यूशन से कोई दिक्कत नहीं है। यहूदियों ने कहा भाई हमें तो स्वीकार है, परंतु बाकी जो अरब देश थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमें ये सोल्यूशन स्वीकार नहीं, और उन्होंने इस सोल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया कि ये जो 2-स्टेट सोल्यूशन है वो हमें नहीं चाहिए। अब ब्रिटेन जो था उसने कहा देखो साहब, हम तो यूएन के पास में चले गए, पंचायती करवा ली यूएन की, और उन्होंने करके ये आपका बंटवारा कर दिया है, अब तुमको जिसको मानना है मानो और नहीं मानना है वो मत मानो, बाकी हम तो इस क्षेत्र को छोड़कर जा रहे हैं। और ब्रिटेन जो है वो 1948 में
मई 1948 के अंदर ब्रिटेन इस क्षेत्र को छोड़कर चला गया। 14 मई 1948 को ब्रिटेन ने मतलब इस एरिया को दे दी आजादी, और जिस दिन आजादी दी उसी दिन इसराइल ने अपनी स्थापना की घोषणा कर दी। कि इसराइल ने कहा कि भाई अब क्योंकि यूएन के तहत हमको क्षेत्र मिला हुआ है तो ये जो एरिया है वो हमारा है, और इसराइल नाम का एक अलग देश जो है वो अस्तित्व में आ गया। स्टेट ऑफ इसराइल इज बॉर्न, कब हुआ ये? ये हुआ 1948 के अंदर, 14 मई 1948 को जिस दिन ये छोड़ के गए थे ब्रिटेन वाले, उसी दिन जो है इन्होंने इसराइल नाम का एक अलग देश बना लिया। यानी इससे पहले इसराइल नाम का देश एज सच जो है वो नहीं हुआ करता था, वो फिलिस्तीन हुआ करता था, और उससे पहले तो फिर खैर हिस्ट्री जो है वो बहुत पुरानी है। तो फिलिस्तीन जो है उसको दो भागों में बांटा, ये इसराइल जो है वो अस्तित्व में आ गया। अब जैसे इसराइल अस्तित्व में आया तो बाकी सब अरब देशों ने कहा कि ये क्या बात हुई, हमने जब मना कर दिया कि हम इस सॉल्यूशन को स्वीकार नहीं करते हो और तुमने जो है वो अपना देश बना लिया तो अब हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। अगले दिन 15 मई 1948 को जितने भी आसपास के अरब देश थे इन सभी अरब देशों ने अटैक कर दिया इसराइल के ऊपर। सभी देश जो थे उन्होंने इसराइल के ऊपर अटैक किया और इससे फर्स्ट अरब इसराइल वॉर जो है वो शुरू हो गई। पहला अरब इसराइल युद्ध जो है वो शुरू हुआ। अब इसराइल को ये बात पहले से पता थी, यहूदियों को ये बात पहले से पता थी कि भाई अपन को इतनी आसानी से कोई यहां पर देश बनाने नहीं देगा, और नहीं देगा तो इस वजह से इन्होंने पहले से ही ऐसी तैयारियां जो है वो करना शुरू कर दिया था युद्ध की। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो भी सामान, जो भी युद्ध वगैरह के वेपन्स वगैरह जो थे वो इन्होंने खरीदने भी शुरू कर दिए थे, और युद्ध की तैयारियां ये पहले से कर रखे थे, तो इसलिए ये तो युद्ध के लिए तैयार थे। बाकी सभी अरब देश जो हैं उन्होंने अटैक किया साहब इसके ऊपर, इधर से लेबनान ने, सीरिया ने, जॉर्डन ने, इजिप्ट ने, इन्होंने सब ने जो है वो अटैक किया। युद्ध चला लगभग एक साल तक जो है युद्ध चला, 10 मार्च 1949 तक ये युद्ध चला। पर इस युद्ध के अंदर जो है ये सभी देश मिलकर भी इसराइल को हरा नहीं पाए। इस युद्ध का जो परिणाम हुआ वो परिणाम ये हुआ कि इसराइल ने इस क्षेत्र को जो यूएन के द्वारा उनको जो लगभग 50% के करीब जो एरिया मिला था उसको बढ़ाकर कर दिया 75%। यानी उन्होंने अपने एरिया जो उसको बढ़ा लिया, और ये जो नॉर्थ के अंदर ये नाजरत वगैरह और ये इधर ये एकर और ये जो थे इनके ऊपर अधिकार कर लिया, ये वाला पूरा इलाका जो अब इसराइल का हो गया, इस पर अधिकार कर लिया। इधर जो अपन ने पहले मैप देखा था उसके अंदर इस तरफ भी दिया हुआ था इनको गाजा वालों को, तो ये वाला इलाका जो इसके ऊपर भी अधिकार कर लिया, और ये गाजा पट्टी छोटी सी रह गई और बाकी ये वेस्ट बैंक जो है वो रह गई। यानी इसराइल ने अपना एरिया जो है वो बढ़ा लिया। दूसरी तरफ ये जेरूशलम जो है वो जेरूशलम का दो भाग था, अगर ये जेरूशलम है तो एक तो है ईस्ट जेरूशलम, इसको जेरूशलम को हिंदी में जो है वो यरूशलम भी लिखते हैं, हिंदी वाले जो है वो लिखेंगे तो यरूशलम, तो ईस्ट जेरूशलम, और इधर था वेस्ट पश्चिमी। तो वेस्ट जेरूशलम जो है उसके ऊपर भी अधिकार कर लिया, यानी लगभग 75% एरिया और जेरूशलम का एक भाग वेस्ट, ईस्ट जो वेस्ट जेरूशलम है उसके ऊपर अधिकार कर लिया किसने? इसराइल ने। और ये जो इलाका है वेस्ट बैंक का, इस वेस्ट बैंक पर अधिकार हो गया जॉर्डन का, इधर से जॉर्डन की आर्मी आई और उन्होंने वेस्ट बैंक पर अधिकार कर लिया, और ये ईस्ट जेरूशलम जो है इसके ऊपर भी जॉर्डन ने अधिकार कर लिया। इधर ये जो गाजा पट्टी थी इसके करीब इधर था मिस्र, तो मिस्र ने इधर अधिकार कर लिया गाजा पट्टी पर, और जो गाजा पट्टी है वो इजिप्ट के अधीन आ गई। ठीक है, तो यानी और यहां पर रहने वाले जो फिलिस्तीनी थे, अब आपने अगर इस क्षेत्र पर अगर इसराइल ने अधिकार किया है या फिर यहां पर लड़ाई हुई है तो जो फिलिस्तीनी पहले रह रहे थे वो कई सारे फिलिस्तीनी यहां से शरणार्थी हो गए, यहां से उनको भागना पड़ा और उन्होंने आसपास के देशों में जाकर शरण ली। कुछ लोग जो है वो जॉर्डन में गए, अधिकतर जॉर्डन के अंदर शरण ली, कुछ लोगों ने इजिप्ट में शरण ली, कुछ लोगों ने लेबनान के अंदर, कुछ ने सीरिया में, इस तरीके से अलग अलग देशों के अंदर जो है वो फिलिस्तीनी जो है शरणार्थी बन गए। ये परिणाम रहे फर्स्ट जो अरब इसराइल वॉर था उसके। तो अब देखो यहां से ही अपन को बात समझनी है कि फर्स्ट अरब इसराइल जो वॉर है उसका परिणाम क्या रहा। तो इसराइल की जीत और लगभग 75% एरिया और वेस्ट जेरूशलम इसके ऊपर अधिकार हो गया। दूसरी तरफ जो आपका जॉर्डन है उस जॉर्डन को मिल गया वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूशलम, और इधर जो इजिप्ट था मिस्र, मिस्र को मिल गया
गाजा, गाजा स्ट्रिप पे अधिकार हो गया मिस्र का, ये परिणाम। और फिर कुछ शरणार्थी जो फिलिस्तीनी जो थे वो बन गए शरणार्थी, ये परिणाम रहे पहले अरब इसराइल युद्ध के। फिर समस्याएं जो है वो धीरे धीरे आगे छोटी मोटी घटनाएं जो है वो होती गई। बड़ी जो घटना इसके बाद में हुई वो हुई सिक्स डे वॉर। सिक्स डे वॉर हुआ 5 जून 1967, 5 जून 1967 को। हालांकि पहले जो अटैक है उसका प्लान मिस्र ने और बाकी देशों ने मिलकर जो किया था कि भाई हम इसराइल के ऊपर अधिकार कर लेंगे और अटैक करेंगे और काफी वापस एक अलायंस जो है बनाया गया, परंतु जो इसराइल है उस इसराइल ने पहले ही एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की, यानी वो लोग अटैक कर पाते उससे पहले ही इन्होंने अटैक जो है वो कर दिया। और 5 जून 1967 को सुबह जल्दी जो है वो लगभग 8 बजे के करीब इन्होंने इसराइली एयरफोर्स जो है उसने सिनाई पेनिनसुला के ऊपर अटैक कर दिया, सिनाई प्रायद्वीप जो कि मिस्र का था। और बहुत बुरा अटैक जो है वो हुआ, करीब 2-2.5 घंटे के अंदर ही पूरी की पूरी जो इजिप्शियन एयरफोर्स है उसको खत्म कर दिया गया। इतना प्रिसीजन अटैक था, ये दुनिया के सबसे खतरनाक अटैक्स के अंदर एक हुआ करता था, जिसके अंदर इजिप्ट की जो एयरफोर्स थी उस एयरफोर्स के 300 प्लेन थे जो कि वहां पर खड़े थे उस जो सिनाई प्रायद्वीप उस पर थे, और ऊपर से इस तरीके से अटैक किए गए कि 300 में से 280 प्लेन जो है उनको खत्म कर दिया गया और मात्र 2 घंटे के अंदर, 2-2.5 घंटा लगभग जो है वो चलाइए, और इसी के अंदर पूरी पूरी एयरफोर्स जो उसको समाप्त कर दिया गया। और जब इजिप्ट वाले जब जागे इजिप्ट वाले लो लो भाई अपन भी आक्रमण करें और निकालो अपना प्लेन निकालो, तो सब प्लेन तो जो है कचरा हो गया। और उसी समय इन्होंने एयर के ऊपर जो है वो अपनी जो कमांड थी वो कमांड बना ली, और बाकी फिर बाद में अपनी जो इन्फेंट्री डिवीजन थे उनको कहा कि अब आप जाओ लड़ाई लड़ो। और फिर ये जो युद्ध था उस युद्ध के अंदर 5 या 6 दिन जो है वो ये युद्ध चला, और 6 दिन के अंदर इस युद्ध में जीत हो गई इसराइल की, यानी इसराइल ने एक बार फिर से इन सबको जो है वो हरा दिया। और इसके अंदर जो रिजल्ट रहा वो और भी ज्यादा खतरनाक रहा। इसराइल ने जो है वो ये युद्ध से पहले का भाग है और उसके बाद जो इलाका था, यानी इसराइल ने ये सिनाई प्रायद्वीप जो उसके ऊपर अधिकार कर लिया, इसराइल ने गाजा पट्टी पर अधिकार कर लिया, इसराइल ने वेस्ट बैंक पर अधिकार कर लिया, इसराइल ने जेरूशलम पर अधिकार कर लिया, इसराइल ने गोलन पहाड़ियों पर अधिकार कर लिया, यानी ऑलमोस्ट पूरा इलाका जो है वो इसराइल के अधीन आ गया। कब? 1967 में। ये भी बात याद रखने की जरूरत है कि 1967 का जो सिक्स डे वॉर था उसके बाद ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो इसराइल के अधीन आ गया था। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा लॉस हुआ वो हुआ इजिप्ट को, मिस्र को जो है वो सबसे बड़ा लॉस हुआ। एक तो उसकी इमेज को बहुत बड़ा धक्का लग गया कि भाई उनको थोड़ी देर के अंदर, मतलब 6 दिनों के अंदर जो है वो हरा दिया और इतने बुरी तरीके से हराया गया। मिस्र ने बाद में इसका बदला लेने की कोशिश की और 1973 में एक और अटैक हुआ इसराइल के ऊपर जिसको अपन कहते हैं योम किपुर वॉर। योम किपुर जो है वो यहूदियों का एक त्यौहार होता है और त्यौहार वाले दिन जो है इन्होंने अटैक किया। बहुत उसकी भी कई कहानियां जो है वो लंबी चौड़ी है, पर खैर अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है। पर योम किपुर युद्ध जो है वो हुआ 1973 के अंदर। इसमें इसराइल जो है वो एक बार तो हक्का बक्का रह गया। इसराइल को ये एंटिसिपेशन नहीं था कि वो लोग जो है अटैक करेंगे, ठीक है, और इस वजह से इसराइल को बिल्कुल अटैक बहुत सरप्राइज में किया गया। तो शुरुआत के अंदर तो इसराइल को बहुत ज्यादा धक्का जो है वो इससे लगा, हालांकि उसके बाद धीरे धीरे इसराइल ने वापस अपनी स्थिति जो है वो मजबूत कर ली। ये 73 के अंदर योम किपुर वॉर हुआ। योम किपुर का जो युद्ध था इसके बाद में इजिप्ट के बीच में और इसराइल के बीच में इस बात पर सहमति बन गई कि अपन को लड़ाई जो है वो आगे नहीं लड़नी चाहिए और हम जो है वो इस लड़ाई को आगे खत्म कर सकते हैं। और इसके लिए एक अकॉर्ड हुआ जिसको कहा जाता है कैंप डेविड अकॉर्ड। कैंप डेविड नाम की एक जगह है यूएसए के अंदर, वहां यूएसए की मध्यस्थता से, यूएसए के मीडिएशन से इजिप्ट के बीच में और जो इसराइल है इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। इस समझौते के अंदर यह कहा गया कि जो सिनाई प्रायद्वीप है जिसके ऊपर सिक्स डे वॉर के बाद में इसराइल ने अधिकार कर लिया है, वो जो सिनाई प्रायद्वीप है वो दे दिया जाएगा वापस इजिप्ट को, और इसके बदले में इजिप्ट जो है वो एक तो इसराइल को मान्यता दे देगा और इस मामले में आगे से कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसराइल ने, मतलब इजिप्ट ने हाथ जोड़ लिया, सब आगे से तुम जानो और तुम्हारा ये फिलिस्तीन जाने और इसराइल जाने, तुम्हारा काम जाने, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सिनाई प्रायद्वीप जो है वो इजिप्ट के लिए महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा। सिनाई प्रायद्वीप के पास से ही स्वेज नहर गुजरती है और वो इजिप्शियन जो इकोनॉमी है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो इस तरीके से जो 1978 के अंदर ये आपका कैंप डेविड अकॉर्ड हो गया, और उसके बाद 1979 के अंदर ये इजिप्ट जो था उस इजिप्ट के बीच में और इजराइल के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस को रिस्टोर कर दिया गया, जो उनके कूटनीतिक संबंध थे उनको वापस से बना दिया गया। अब जो फिलिस्तीनी थे उनको लगा कि भाई धीरे धीरे हमारे उपास से जो सपोर्ट है वो खत्म होता जा रहा है, तो सपोर्ट खत्म होता जा रहा है तो सब क्या करें। तो फिर इन्होंने एक और नई चीज शुरू की और वो उसको कहा जाता है इंटिफाडा। इंटिफाडा क्या होता है? देखो ये जो है अरबी भाषा का एक शब्द है और इसका मतलब होता है हिंसक विद्रोह, वायलेंट अपराइजिंग। तो हिंसक विद्रोह जो है वो किए गए, यानी जो इजराइल की जो सिटीज थी, जैसे ये वेस्ट बैंक इसराइल के अधीन आ गया था सिक्स डे वॉर के बाद, गाजा पट्टी इसराइल के अधीन आ गई थी, तो अब गाजा पट्टी में जो फिलिस्तीनी रह रहे हैं उन्होंने हिंसक विद्रोह करना शुरू कर दिया, उन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग करना शुरू कर दिया, जहां पर भी इजरायली फोर्सेस दिखे तो उनके ऊपर पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया, कहीं पर आगजनी करना शुरू कर दिया, ये सब चीजें जो है वो की गई। ये जो फर्स्ट इंटिफाडा है ये शुरू हुआ 1987 से और ये चला 1993 तक। ये घटनाक्रम जो है वो चलते गए 1987 से लेकर 1993 कर, और ये 1987 में जब ये फर्स्ट इंटिफाडा शुरू हुआ था उसी समय इजराइल ये जो फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास जो है उसका भी जन्म हो गया। फिलिस्तीन का जो आतंकवादी संगठन है जिसका क्या नाम है, हमास, अभी काफी न्यूज में आता है वापस बार बार हमास। तो हमास एक आतंकी संगठन है जो वर्तमान में गाजा पट्टी में उसका शासन है, पर इसकी स्थापना, हमास की स्थापना जो है कब हुई थी, तो 1987 के अंदर जो है स्थापना हुई थी फर्स्ट इंटिफाडा के समय, और स्थापना ही हिंसक रूप से हुई थी, ये हिंसा करने के लिए ही हमास जो है उसका जन्म हुआ था। हमास को जो सपोर्ट है वो बेसिकली मिलता है ईरान से और लेबनान के अंदर एक और आतंकी संगठन है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हिजबुल्ला। तो हिजबुल्ला और ये जो आपका ईरान है ये दोनों जो है वो हमास को मेजरली सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा कतर जो है उसके द्वारा भी काफी सपोर्ट किया जाता है। तो इस तरीके से हमास जो है वो एग्जिस्टेंस के अंदर आ गया। इधर इसराइल वाले भी परेशान हो गए, ये जो लड़ाइयां चल रही थी, सुसाइड बॉम्बिंग वगैरह चल रही थी, इससे इसराइल वगैरह भी परेशान हुए, तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है वार्ता करते हैं, और वार्ता करने के लिए अकॉर्ड, ऑस्लो अकॉर्ड जो है वो साइन हुआ 1993 में और 1995 में। 1993 और 1995 में कुछ सेट ऑफ सीरीज ऑफ अकॉर्ड्स जो है वो साइन हुए। उसके अंदर ये एक तरफ तो इधर तो जो है वो इजराइल के प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ जो है वो आपके फिलिस्तीनी नेता, ये फिलिस्तीनी नेता थे जिसका नाम था यासिर अराफात। तो यासिर अराफात और इसराइल के बीच में जो है वो ये एग्रीमेंट हुआ, और किसने करवाया, मध्यस्था किसकी है, वापस यूएसए, बिल क्लिंटन। तो यूएसए की मध्यस्था से ऑस्लो समझौता जो है वो हुआ 1993 में। ऑस्लो समझौते की महत्ता क्या, इंपॉर्टेंस क्या, ऑस्लो समझौते की इंपॉर्टेंस ये है कि जो फिलिस्तीनी संगठन था यासिर अराफात का जो संगठन है इसका नाम है PLO, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले इजराइल पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता था, आतंकी संगठन मानता था, परंतु ऑस्लो समझौते के समय इन्होंने ये जो पीएलओ है इस पीएलओ को मान्यता दे दी, और दूसरे पीएलओ ने टू स्टेट सॉल्यूशन जो है उसको स्वीकार कर लिया, यानी दो देश होंगे, एक इजराइल होगा और एक फिलिस्तीन होगा। इस तरीके से टू स्टेट सॉल्यूशन जो है वो इसको मान्यता देने का काम जो है वो कहां पर हुआ, वो इस 1993 के ऑस्लो समझौते में हुआ। टू स्टेट बनना चाहिए, टू स्टेट में क्या होगा, तो एक तो इसराइल का देश हो जाएगा और दूसरा वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, ये दोनों मिलकर जो है वो बनाएंगे आपके फिलिस्तीन को, यानी फिलिस्तीन को क्या क्या चीजें हैं फिलिस्तीन में इंक्लूड होती है, तो वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी इंक्लूड होती है। और ये कहां से आता है, ये वैसे तो यूएन के प्लान से आता है, परंतु उसके बाद में काफी सारे डेवलपमेंट चेंज हो गए और ऑस्लो समझौते के अंदर इस बात को स्वीकार कर लिया कि ऐसे दो चीजें जो है वो बननी चाहिए। और इसराइल ने कहा कि पीएलओ जो सरकार बनाएगा उसको कहेंगे पैलेस्टाइन अथॉरिटी। पीएलओ के द्वारा जो सरकार बनाई जाएगी उसका नाम क्या दिया जाएगा, उसको कहा जाएगा पैलेस्टाइन अथॉरिटी। अब हालांकि उस ऑस्लो समझौते में कहा तो गया था कि दो ऐसे क्षेत्र बनेंगे, परंतु इसराइल ने भी ऑस्लो समझौते को पूर्ण रूप से लागू जो है वो नहीं किया, ठीक है, यानी पूर्ण रूप से जो फिलिस्तीनी राज्य बनना चाहिए था वैसा फिलिस्तीनी राज्य जो है वो बनाया नहीं गया, और वेस्ट बैंक के अंदर काफी सारा हिस्सा अभी भी इसराइल के अधीन जो है वो है। अगर अपन वेस्ट बैंक को, ये पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था,
1964 के अंदर इसकी स्थापना जो है वो हुई। ठीक है, ये है वर्तमान का वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक जो है उसके अंदर तीन प्रकार के इलाके हैं। वेस्ट बैंक में एक भाग तो ऐसा है जो कि पैलेस्टाइन अथॉरिटी की, जहां पर शासन है, जहां पर सरकार भी फिलिस्तीनियों की है और वहां की रक्षा की जिम्मेदारी जो है वो भी फिलिस्तीनियों की है। दूसरा ऐसा भाग है जहां पर सरकार जो है वो तो वो फिलिस्तीनियों की है परंतु रक्षा की जिम्मेदारी जो है वो इसराइल के पास में। और तीसरा भाग ऐसा है जहां पर सरकार भी इसराइल की है और रक्षा की जिम्मेदारी भी इसराइल की है, यानी वेस्ट बैंक का कुछ भाग अभी भी जो है वो इसराइल के पास में है। और यहां वेस्ट बैंक के अंदर लगातार इसराइल जो है वो अपने सेटलमेंट्स, अपनी बस्तियां जो है वो बसा रहा है, अपने लोगों को, यहूदियों को वहां पर जो है बसाने के लिए वो प्रेरित करते रहते हैं। ऐसे कई सारे एनक्लेव्स हैं वहां पर, ऐसे जहां पर सेटलमेंट्स, बस्तियां जो है वो बनाई गई है, कई अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं जहां पर सिर्फ यहूदी जो है वो आकर रह सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो इसराइल है उस इसराइल के द्वारा ये जो ओस्लो अकॉर्ड था उसको पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया, और जब नहीं किया गया तो, और ये दो बात सिर्फ वेस्ट बैंक की, दूसरी तरफ गाजा पट्टी, गाजा पट्टी के अंदर स्थिति जो है वो और ज्यादा खराब होने लगी। 2000 के बाद से वहां पर वापस इंटिफाडा शुरू हो गया। सेकेंड इंटिफाडा जो है वो शुरू हुआ 2000 से लेकर 2005 तक। वापस हिंसक विद्रोह, वापस वही जो सुसाइड बॉम्बिंग करना, ये सब चीजें जो है वो फिर से हुई। तो यानी फिर से सेकेंड इंटिफाडा का टाइम जो है वो चलता रहा। इसराइल ने पहले उसको काफी कंट्रोल करने की कोशिश की, पर 2005 तक इसराइल को भी लगा कि भाई यार ये यहाँ पर जो है हम फंस गए हैं, और ये जो लगातार इस तरीके की चीजें होती जाती है, हमारे बहुत ज्यादा एनर्जी और बहुत ज्यादा ध्यान जो है वो इसमें जा रहा है, तो क्या करें। तो 2005 में इसराइल ने कहा कि भाई हम यहां से अपनी सेना हटा लेंगे, और 2005 में इसराइल जो है वो इस गाजा पट्टी से, ये जो गाजा पट्टी है, इस गाजा पट्टी से जो है वो बाहर निकल गया, बाहर निकल गया, और इसके चारों ओर ब्लॉकेट लगा दिया गया। ये जो गाजा पट्टी है इसके चारों ओर जो है वो एक ब्लॉकेट लगा दिया गया, इसको जो है नाकेबंदी कर दी गई। यानी ना तो कोई इसराइल की परमिशन के बिना गाजा पट्टी के अंदर जा सकता है, ना ही कोई गाजा पट्टी से बाहर आ सकता है। तो उन्होंने कहा कि अंदर रहने से, अब अंदर रह के शासन चलाओ, इससे अच्छा बाहर आ जाओ और उसको जो है वो ब्लॉकेट कर दो। और इसमें अंदर जाने के कुछ अलग अलग गेट्स जो है वो बनाए गए थे, अगर किसी को जाना हो, आना जाना हो, तो ये कई गेट्स थे। हालांकि समय के साथ में इनको धीरे धीरे जो है वो समय समय पर इसको बंद करते गए। अब ये 2005 के अंदर इसराइल वाले जो है वो बाहर आ गए, और ये जो गाजा पट्टी है उस गाजा पट्टी के अंदर चुनाव हुए, गाजा पट्टी में चुनाव हुए, और चुनाव के समय वहां पर हमास जो है वो हमास का शासन स्थापित हो गया 2007 के अंदर। 2007 में गाजा पट्टी जो है उसके ऊपर हमास शासन में आ गया। अब इसराइल के अंदर जो है वो देखो, फिलिस्तीन की पॉलिटिक्स भी दो भागों में विभाजित है। एक तो ये वेस्ट बैंक का भाग जो अपन कह रहे हैं जहां पर फिलिस्तीनियों का शासन है, तो फिलिस्तीनियों में किसका शासन है? फिलिस्तीन में ये जो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यासिर अराफात की जो पार्टी थी, उसका एक भाग है, उसका एक फैक्शन है जिसको कहते हैं फाता, फाता फाता भी कहते हैं कुछ लोग, जो फाते है भी कहते हैं। तो ये जो फाते या फाता है, इसके द्वारा जो है वहां पर वेस्ट बैंक के ऊपर जो है पैलेस्टाइन अथॉरिटी के नाम से सरकार चलाई जाती है, और उसके वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वो है महमूद अब्बास। ये जो व्यक्ति है महमूद अब्बास, ये वहां का प्रेसिडेंट है। और पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी जब फिलिस्तीन की बात आती है, ये लीगली जहां पर फिलिस्तीन को रिकॉग्निशन दी जाती है, तो वो इस पैलेस्टाइन अथॉरिटी को ही दी जाती है और इस फाता को ही दी जाती है। हमास को जो है वो कोई भी फिलिस्तीन का लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो नहीं मानता। हमास को जो है यूएसए, जापान, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, ये सब जो है वो इसको एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। यानी बात समझने की ये है कि फिलिस्तीन का जो वास्तविक रूप में रिप्रेजेंटेटिव है वो है फाता, ठीक है, वेस्ट बैंक के अंदर पैलेस्टाइन अथॉरिटी की जिसकी सरकार है। और दूसरी तरफ गाजा पट्टी में जो है वो एक आतंकवादी संगठन है, वो फिलिस्तीनियों का पूर्ण रूप से कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो नहीं है। इस बात को समझना जो है बहुत जरूरी है कि हमास अलग है और फिलिस्तीन जो है वो अलग है, ठीक है। तो हमास 2007 में ये लोग जो है वो वहां पर सत्ता में आ गए गाजा पट्टी पर, और उसके बाद से ही लगातार हमास के द्वारा जो इसराइल है गाजा पट्टी से, इसराइल के ऊपर लगातार अटैक जो है वो किए जाते हैं, और इसके फिर उसके वो रिपल्शन करते हैं। ऐसा 2008-09 के अंदर जो है वो इस प्रकार के अटैक हुए, फिर 2012 में इस प्रकार के हमले हुए,
2014 में बहुत 50 दिन तक जो है वो ये हमले चलते रहे, और फिर 2021 के अंदर 11 दिन का जो वापस हमले जो है वो हुए, जिसमें लगभग 4300 रॉकेट्स जो है वो दागे गए इधर से, हमास की तरफ से, गाजा पट्टी से। वायलेंस करने का काम जो है वो कौन कर रहा है, वो सिर्फ हमास जो है उसके द्वारा किया जा रहा है, और इसराइल के द्वारा जो है उसका रिटेलिएशन किया जाता है। अब हमास के पास में भाई ये कहां से आता है पैसा, या फिर ये जो है वो फंडिंग कहां से आती है हमास की? तो ये जो संगठन है हमास की, वैसे तो जो है वो सुन्नी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, परंतु यहां एक विचित्र बात है कि ईरान जो कि वैसे तो शियाओं का नेता है, वैसे तो शिया देशों का रिप्रेजेंटेशन करने वाला ईरान है, परंतु वो शिया होने के बावजूद जो हमास है उसका वो समर्थन करता है, यानी यहूदियों के विरुद्ध ये दोनों जो है वो आपस में मिल जाते हैं, और ईरान के द्वारा इनको जो है वो समर्थन किया जाता है, ईरान के द्वारा इनको कई सारी मिसाइलें वगैरह जो है वो दी जाती है। अब देते कहां से साहब मिसाइलें, जब चारों ओर से दीवार ही बना रखी है, चारों तरफ से जो है वो उसको ब्लॉकेट किया हुआ है, तो फिर ये कैसे देते हैं? तो हमास वालों के द्वारा क्या किया जाता है, ये इस तरीके से इनके द्वारा जो है अंडरग्राउंड जो है वो टनल्स बनाई हुई, इन्होंने कई सारी सुरंगें जो है वो बनाते रहते हैं, खाली बैठे रहते हैं वहां पर, और इनका काम है सुरंगें बनाने का, सुरंग बनाते हैं, और सुरंग बनाकर बाहर से ये जितना भी हेल्प मिल सकते हैं उस हेल्प को जो है वो लेते हैं। फिर पहले तो इन्होंने जो है वो रॉकेट्स वगैरह डायरेक्ट लिया करते थे, उसके बाद में अब आजकल इन्होंने जो है हमास जो गाजा पट्टी है उस गाजा पट्टी के अंदर कई सारी फैक्ट्रियां जो है वो बना दी है, और उन फैक्ट्रियों के अंदर ये जो रॉकेट्स वगैरह जो है वो बनाए जाते हैं, बारूद वहां पर बनाया जाता है। फिर उसके बाद में उन रॉकेट्स को बनाने के बाद में वो ऐसी जगहों पर रखते हैं जहां पर सिविलियन हो, जैसे मीडिया हाउसेस हैं, उस मीडिया हाउस के अंदर ऊपर नीचे जो है दो तीन अपार्टमेंट मीडिया हाउस के हैं, फिर नीचे का एक दो अपार्टमेंट ऐसा होगा जिसके अंदर जो है वो आपने ये रॉकेट्स रखे हुए हैं, स्कूल है, स्कूल के अंदर वो जो रख देते हैं, जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर इस तरीके की चीजें जो है वो रखी जाती है, ताकि इन चीजों को टारगेट नहीं किया जा सके। इसको कहा जाता है ह्यूमन शील्ड प्रोवाइड करना, कि एक मानव जो संरक्षण है वो उपलब्ध करवाने का काम जो है वो हमास के द्वारा किया जाता है, और वो सिविलियंस को यूज करते हैं बचने के लिए, कि भाई कोई भी अटैक हो तो सिविलियंस जो है वो मारे जाएं, तो सिविलियंस मारे जाएं, और अगर सिविलियंस मारे गए तो फिर क्या होगा, तो फिर जो है वो अपन इंटरनेशनल मीडिया में क्राई करेंगे, फिर उसके बाद में कि भाई देखो हमें मार रहे हैं, हमें मार रहे हैं, तो विक्टिम कार्ड जो है उसके बाद में खेला जाएगा। तो इस तरीके से जो ऑपरेशन है वो किए जाते हैं किसके द्वारा, हमास के द्वारा। अब जेरूशलम को लेकर, भाई जेरूशलम जो है वैसे 1967 से अंडर में है इसराइल के, पर जेरूशलम को इसराइल ने जो है वो अपनी राजधानी बना घोषित कर दिया था 80 के दशक में, और उस समय से इसराइल तो मानता है कि जेरूशलम जो हमारी राजधानी है, पर बाकी दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जो कि ये मानता है कि जेरूशलम जो है वो इसराइल की राजधानी है। अगर ऐसा मान लिया तो फिर ये पूरा विवाद जो है पूरा इसराइल की तरफ जो है झुक जाएगा। यूएसए के अंदर भी बार बार जो राष्ट्रपति आए उन्होंने घोषणा तो की कि हम जीतने के बाद में जेरूशलम को इसराइल की राजधानी के रूप में मान लेंगे, परंतु कोई भी ऐसा कर नहीं सका सिवाय डोनाल्ड ट्रंप के। ट्रंप जो है उस ट्रंप ने जेरूशलम को मान्यता दे दी कि भाई जेरूशलम जो है वो इसराइल की राजधानी है। फिर ट्रंप के द्वारा यहां पर और शांति स्थापित करने के लिए एक अकॉर्ड करवाया गया जिसको कहते हैं इब्राहिम अकॉर्ड। इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर कुछ और जो देश थे यहाँ के, जैसे यूएई, बहरीन, इन लोगों ने भी इसराइल के साथ में कूटनीतिक संबंध बना लिए। यानी इसराइल की जो एक्सेप्टेंस है अरब देशों के बीच में वो लगातार क्या होती जा रही है, इससे बढ़ती जा रही है। और इससे पहले जॉर्डन ने 1994 के अंदर बना लिए थे इसराइल के साथ में कूटनीतिक संबंध, उससे पहले आपका जो इजिप्ट है उसने 79 में बना लिए थे, तो 79 में इजिप्ट, फिर 1994 में जॉर्डन, और उसके बाद में ये जो आपका यूएई और बहरीन जो है वो भी इसके अंदर शामिल हो गए। तो ये कुछ देश हैं जो कि इसराइल को जो है वो वहां पर मान्यता देते हैं, यानी इसराइल की स्वीकार्यता है जो बढ़ रही थी, और इस इब्राहिम अकॉर्ड के बाद ये माना जा रहा था कि भाई अब यहां पर शांति स्थापित हो जाएगी, और इसराइल मतलब वेस्ट एशिया के अंदर ये मिडिल ईस्ट का जो क्षेत्र है वह शांति की एक बयार आने वाली है, तो शांति की प्रक्रिया आगे चल रही है। अब ये बात जो है वो शांति की प्रक्रिया अगर आगे चलेगी और चीजें जो है अगर नॉर्मलाइज हो जाएगी तो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको फिर मजा कैसे आएगा? तो उनको अपना रेलिवेंस बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि बात जो है वो ऐसा लगे कि नहीं भाई हम जीवित हैं, और ऐसा उन्होंने कर भी दिया। एक छोटे से मुद्दे से जो है वो बात शुरू हुई, और बात शुरू होकर बढ़ते 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 एक बड़े एस्केलेशन उसका इतना ज्यादा हो गया कि पूरी दुनिया जो है उसकी चर्चा करने लगी। क्या मुद्दा था? मुद्दा वापस वही शेख जर्रा का।
शेख जर्रा, जैसे अपन ने पहले शुरुआत में देखा था, ये इलाका है शेख जर्रा का। शेख जर्रा, अब जैसे अपन ने अभी पढ़ा कि 19 जो अरब इसराइल युद्ध हुआ था उसमें 1948 में अरब इसराइल युद्ध जो था उसके अंदर ईस्ट जेरूशलम ये किसके अधीन आ गया था, ये जॉर्डन के अधीन आ गया था। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये जो इलाका है शेख जर्रा का, यहां पर 1948 से पहले प्री 1948, जैसे अपने पहले कहा था कि बहुत सारे जो यहूदी थे, जैसे ज़ायोनिस्ट आंदोलन शुरू हुआ था तो कई सारे यहूदी जो है वो इस क्षेत्र में आ रहे थे और आकर वो जो है वो यहां पर जमीन वगैरह खरीद रहे थे, प्रॉपर्टी खरीद रहे थे प्रॉपर। तो वहां पर ये जो शेख जर्रा का जो इलाका है यहां पर कुछ प्रॉपर्टी जो है वो यहूदियों के द्वारा खरीदी गई थी। ठीक है, खरीदी गई थी, लीगल उसकी रजिस्ट्री वगैरह जो है वो करवाई गई। अब रजिस्ट्री करवाई गई और उनके पास में वो पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है वो है। पर जैसे युद्ध शुरू हुआ तो इस क्षेत्र से वो जो यहूदी है उन यहूदियों को एक क्षेत्र छोड़कर जाना पड़ गया। क्षेत्र छोड़कर वो चले गए यहूदी, तो इधर वेस्ट ईस्ट जेरूशलम की जगह जो है वो तो वेस्ट जेरूशलम में चले गए। ठीक है, पर इस जो क्षेत्र था उस क्षेत्र पर अधिकार हो गया जॉर्डन का। और जॉर्डन ने क्या किया कि जॉर्डन ने इस क्षेत्र के ऊपर जो बाकी फिलिस्तीनी थे उन फिलिस्तीनियों को कहा कि हम तुम्हें इस क्षेत्र में जो है बसा देंगे। और कुछ ऐसे 28 फैमिलीज हैं जिन 28 फैमिलीज को उन्होंने ये कहा 1956 में कि हम जो है वो आपको यहां पर बसाएंगे और आप यहां पर ये जो यहूदी जो खाली घर छोड़ के गए हैं उन घरों में आप आओ और आप जो है वो बस जाओ। अब ये बात हो गई 1956 में, ये लोग बस तो गए परंतु जॉर्डन जो है वो उनको प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट्स देने थे वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाया, क्योंकि वो इस प्रक्रिया को पूरा कर पाते, उनके सेटलमेंट को पूरा कर पाते इससे पहले ही 67 के अंदर वो सिक्स डे वॉर हो गई। और सिक्स डे वॉर के बाद में ये जो ईस्ट जेरूशलम है ये वापस इसराइल के अधीन आ गया। ठीक है, यानी जॉर्डन ने वहां पर उन लोगों को बसा, उनको कह तो दिया कि इन घरों में आप रहने लग जाओ, परंतु उनको जो है वो जो उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए थे वो नहीं हुए। अब धीरे धीरे ये मामला जो है वो बढ़ता गया तो जो यहूदी जो पहले यहाँ पर रह रहे थे जिनको भागना पड़ा 1948 से पहले, जिन्होंने लीगली इसको खरीदा था, उन्होंने कहा भाई अपने पास तो इसके कागज हैं, ये क्षेत्र तो हमारा है, और हमारा है तो वो वहाँ के कानून के तहत जो वहाँ की कोर्ट है उस कोर्ट में गए और कोर्ट जो उस कोर्ट ने फैसला जो है वो उनके पक्ष में दे दिया कि हाँ भाई इनके पास में ये जो एरिया है ये किसका होना चाहिए, तो ये सब इन यहूदियों का होना चाहिए। बाद में वो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया। अब 6 फैमिलीज का ये इशू है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी डिटरमाइन क्या करेगा, तो डिटरमाइन ये करेगा कि भाई जिसके पास लीगल डॉक्यूमेंट है उसको दे दो। तो लीगल डॉक्यूमेंट किसके पास होता, तो यहूदियों के पास में, तो यानी उस क्षेत्र के ऊपर किसका का अधिकार हो जाना चाहिए, उन घरों पर यहूदियों का अधिकार जो है वो हो जाना चाहिए। पर अब ये आप अगर अब यहूदी वहां पर आए तो ये 1948 से के बाद से यहां जो फिलिस्तीनी रह रहे हैं उनको उस घरों से बाहर निकलना पड़ जाएगा, और उनको घर से बाहर निकलना पड़ेगा तो उनके बीच में और जो यहूदी उसके ओनर है उन दोनों के बीच में ये डिस्प्यूट हो गया, रजवे हो रही हो। वैसे अगर देखा जाए तो इस एरिया के अंदर ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है वो है ज्यूइश सेटलमेंट्स। ठीक है, और पैलेस्टाइन का एरिया जो है वो ये पूरा ब्राउन इलाका जो फिर पूरा फिलिस्तीन का है। तो जो मुख्य ओल्ड सिटी का इलाका है उसके आसपास में सब फिलिस्तीनी है, उसके पास में जो है ज्यूइश सेटलमेंट्स है ही नहीं। तो अगर यहां पर आ भी जाएंगे तो इतना कोई बहुत बड़ी परिवर्तन जो है वो नहीं होने वाला। ठीक, और हो भी जाए तो भी उसमें उन्होंने, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी कही उसके अंदर कि देखो इनको जो इतने टाइम से लोग रह रहे हैं तो इनको बाहर निकालना तो सही नहीं होगा, आप ऐसा करो इनको कहो कि भाई जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो आपको रेंट वगैरह पे कर दें तो बात ठीक हो जाएगी, कि भाई जो रह रहा है ऑक्यूपेंट है वो रेंट पे कर दे और रेंट पे करके रहने लग जाए, क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति उसने लीगली उसको खरीदा था, पर जो फिलिस्तीनी थे वो यहाँ पर रेंट पे करने के लिए भी तैयार नहीं थे। पर अब इससे ये सिद्ध नहीं होता कि भाई इसराइल जो है वो कोई पूर्ण रूप से उनको मॉस्को खत्म ही करना चाहता है, मॉस्को तोड़ना चाहता है। वहां पर मॉस्क के अंदर दोनों ही साइड से जो है वो कुछ ना कुछ हुआ और उसके बाद में स्थितियां जो है वो बिगड़ती गई, क्योंकि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन थे, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इस बात को और ज्यादा बढ़ावा दिया। पर अब इसके अंदर अब ये बात चल रही है इसराइल और वहां फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के अंदर रहने वाले कुछ लोगों की। अब इसमें कूद पड़ा एंट्री की किसने, हमास में। हमास ने देखा कि ये मौका जो है वो बहुत अच्छा है हमारे पास में, और अब यहां से अगर हम काम करें तो हम वापस जो है वो नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं, जो कोई दुनिया के अंदर कोई भी उसको जो है वो उसका लीगल मानता नहीं है, उसको लीगली जो है वो एंटिटी के रूप में स्वीकार नहीं करता। और हमास ने ये शेख जर्रा को बचाने के लिए डिमॉन्स्ट्रेशन हुए और उसके बाद में ये उन्होंने जो है वो
रॉकेट बरसाने शुरू कर दी। अब ये डिस्प्रोपोर्शनेट है, आपने लगातार जो बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोगों पर जो है रॉकेट चलाए, हालांकि आयरन डोम नाम का उनका जो है वो शील्ड है जिसके कारण जो है रॉकेट वगैरह गिर नहीं पाए और उन्होंने उसको रोक दिया। और इसराइल की ये पॉलिसी है कि अगर कोई हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो जीरो टॉलरेंस जो है वो होना चाहिए और आपको डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी जाकर जो है वो दूसरा व्यक्ति रुकेगा। और इन्होंने भी फिर वापस जो है वो अटैक किए, ठीक है। और क्योंकि हमास जो है हमास ने ह्यूमन शील्ड के रूप में सिविलियंस को प्रयोग किया हुआ था, इसलिए इसके अंदर काफी जो सिविलियंस हैं वो भी मारे गए, ठीक है। और जब युद्ध हुआ तो युद्ध के अंदर ये सब चीजें जो है वो हुई और दुनिया जो है वो डिवाइडेड रही। कुछ ने कहा कि आई स्टैंड विद इसराइल, कुछ ने कहा आई स्टैंड विद फिलिस्तीन। पर आई स्टैंड विद इसराइल या आई स्टैंड विद फिलिस्तीन, ये कुछ सही जो है वो मापक इस बात का है नहीं। होना ये चाहिए था कि भाई आई स्टैंड विद पैलेस्टाइन, दैट इज ओके, बट आई डू नॉट स्टैंड विद हमास, क्योंकि हमास जो है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो फिलिस्तीनियों को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो फिलिस्तीनियों की लाइफ की कोई ज्यादा केयर भी नहीं करता है, ठीक है। उनके लिए फिलिस्तीनी अगर मर रहे हैं तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता हमास को। तो फिलिस्तीन राज्य हो ये कोई गलत बात नहीं है, परंतु हमास को अगर आप कहोगे कि वो फिलिस्तीन है तो हमास तो पूरा ये चाहता है कि इसराइल नाम का कोई देश ही नहीं होना चाहिए। तो यानी अगर हमास को उसका फिलिस्तीन का लीगल रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया तब तो वो इसराइल के अंदर पूरे सभी यहूदियों को मारने की बातें करता है। दूसरी तरफ आई स्टैंड विद इसराइल, ये बात ठीक है, इसराइल हैज राइट टू डिफेंड, इसराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है और रक्षा करनी चाहिए, जैसा वो कर सकते हैं वैसा करना चाहिए। परंतु फिर वापस कि भाई आपको भी इस बात को ध्यान रखें कि टू स्टेट सॉल्यूशन जो है वो इंप्लीमेंट हो, अभी नहीं तो कब जैसा हो सकता है वैसा उसको करने की कोशिश जो है वो की जाए। तो ये एक सिंपल तरीके से जो है वो इस बात को किया जा सकता था, परंतु मीडिया रिपोर्टिंग वगैरह जो है वो इसके अंदर काफी निगेटिव रही।